आइए आइए, क्या नाम है? अच्छा, कहाँ बैठे थे तुम? अच्छा, हमने बुलाया था, राहुल नाम की अर्जी। ओके ओके ओके, अच्छे से बैठ जाओ। पीछे वाली माता जी को बैठा देना। कहाँ से हो? अचानक माँ टाइगर रिजर्व। कहाँ पढ़ा है भैया? सुरही कटामी, मुंगेली जिला। मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ में ही है? छत्तीसगढ़ में सर, खुड़िया राजू जिला से। कितना दूर है यहाँ से? 80-90 किलोमीटर सर। चलो, उस तरफ कभी हम आएंगे। जी सर, बुलाओगे तो हमें? जी महाराज जी, बिल्कुल। कभी बागेश्वर धाम गए? नहीं गया हूँ, जाने का इच्छा है महाराज। कब जाओगे महाराज? बहुत जल्द जाऊंगा यहाँ से। पक्का? पक्का, 100%। प्रॉमिस 100%, 100%। लॉक कर दिया जाए। राम राम। लो जी, आपकी अर्जी लग गई, जो हमें आज्ञा लगी वो हमने लिखी। क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से चाहते हो, पूछो। जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ महादेव। ठीक है, जॉब चाहिए मेरे को। कौन सी जॉब चाहिए? पुलिस की। हो, एक प्रश्न और पूछो, दो हैं, हम बताएं। यहाँ से पढ़ो, एक तुम्हें जानना है, माइक से जानना, बिना माइक से। बिना माइक से। ओके, पहले हम ये पढ़वा देते हैं, वो वाला हम बिना माइक के पढ़ेंगे। ओके, खुश? बहुत दिमाग अस्थिर है, स्थिर नहीं। नौकरी कृपा होगी, सेवा बल में जाना चाहते हैं लेकिन बार बार रुक गए, दो बार अवरोध हो गया। दौड़ की तो ठीक रही, बाकी फिटनेस में समस्या आपको बनी, बहुत कमजोरी भी छा गई शरीर में, कारण ... अब बिना माइक वाला, सीताराम। सीताराम, आज से सही चलोगे? 100%। तो ये मिटा दें, क्योंकि टीवी पे दिखाना है ना? दिखा ना, दिखाए। चंपा मेरी, चमेली मेरी, हमने कुछ कहा थोड़ी, तुम ताली क्यों बजा रहे भाई? तो गाना गा रहे, हमारे बुंदेलखंड में ऐसा गाना गा जाता है, गाया जाता है। आज से ही इन पे हमारी आज्ञा है, हमने इन सब चीज़ों को ठीक तरीके से ख़त्म कर दिया है। पर्चा किसी को भी दिखा सकते हो, तुम तैयारी तेज करो, चंद्रमा है आगे, नहीं तो एज का फैक्ट आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास कम समय बचा हुआ है, आखिरी पॉइंट तुम्हारे पास बचा हुआ है, हाँ, और तुम अभी भी लफड़ों में फंसे हुए, बंद करो और पढ़ो, कल से ही तैयारी तेज करो, क्योंकि तुम्हारे पास में लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में प्रिंट नहीं तो बाद में मना करियो, पर्चा फेल हो जाएगा। अगर नहीं तैयारी, वो नहीं छोड़ा तुमने, तो फिर हम नहीं तुम्हें, हम हनुमान जी नहीं है ना हम भगवान है, रास्ता दे सकते हैं। हमने तुम्हें तुम्हारा कारण बता दिया कि ये कारण है अवरोध का, एन मौके पर वही स्ट्रेस तुम्हें झेलता है, इसीलिए तुम बर्बाद हो गए, दो बार तुम्हें अवरोध बना, आर्थिक भी तुम बर्बाद हुए और पारिवारिक भी क्लेश बनने लगा, झंझलापन भी बहुत ज्यादा आ गया और बहुत ज्यादा आवेश और क्रोध भी आ रहा है, सिर्फ एक कारण। अब आज से हमें लौट के ना दिखे, हम वहां अपने वाईफाई में सिग्नल मिला के चेक करेंगे, वरना तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। ये हमसे आज सब सुन। 100% गुरुजी, मर जाऊंगा लेकिन ना, ऐसा नहीं करूंगा। जाओ खुश। चंपा मेरी, चमेली, खुश रहो। हैं, पक्का? अगर जो कहा वो भर करना तुम, और तुम धाम आओ। ठीक महाराज, खुश रहो महाराज।